आकर्षक लोगों को नौकरी मिलने के चांसेस ज्यादा है, उनको पार्टनर मिलने के चांसेस भी ज्यादा है। पता क्या, आपने तो शायद इस चीज को भुगता भी होगा अपनी जिंदगी में। तो अगर कोई इंसान आकर्षक नहीं है तो वो क्या करे? ऑनलाइन तो वो फिल्टर लगा लेगा, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि आप अपने अपियरेंस को इंस्टेंटली कैसे ठीक कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, तो इस वीडियो को आपको आखिर तक देखना ही चाहिए। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास, स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। इस वीडियो के एंड तक मैं आपको लॉजिकल और साइंटिफिक कुछ स्ट्रैटेजीज बताने वाली हूँ, जिन्हें आसानी से आप अपनी जिंदगी में लगाकर अपने अपियरेंस को बेहतर बना सकते हैं। आप जैसे दिखते हैं उससे और अपग्रेडेड दिखेंगे, गारंटीड। पहले ये समझते हैं कि अच्छा दिखना क्यों ज्यादा जरूरी है। ये तो हम जानते ही हैं कि इससे अपॉर्चुनिटीज हमें ज्यादा मिलती है, हमें पार्टनरशिप के लिए चुने जाने का चांसेस बढ़ जाता है। पार्टनरशिप यानी कि रिलेशनशिप बनाना, कोई पार्टनर मिलना जिंदगी भर के लिए, सेक्सुअल रिलेशनशिप, उसमें हमें कोई चुनेगा, इस चीज के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर हम अट्रैक्टिव है तो। जब कोई इंसान अच्छा दिखता है तो हमें लगता है कि हम उस पर भरोसा कर सकते हैं, वो हमारे दोस्त जैसा है, हम उसे कनेक्ट होना चाहते हैं। जब कोई इंसान अच्छा दिखता है तो हमें लगता है कि वो स्वस्थ है और उससे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाया जा सकता है। मैं मनोवैज्ञानिक हूँ और हम जब पेशेंट से मिलते हैं तब उसने अपने आप को कैसे रखा हुआ है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है हमारे लिए ये पता लगाने का कि उसकी मानसिक स्थिति कैसी है। जिसकी मानसिक स्थिति अच्छी होती है वो साधारणतर अपने आप को साफ सुथरा रखता है, ढंग के कपड़ों में रखता है। लेकिन जो लोग अच्छे नहीं दिखते या जिन्होंने अपनी शक्ल बिगाड़ के रखी हुई होती है, कई बार देखा जाता है उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए वो अपना सेल्फ केयर नहीं कर रहे हैं। अगर लकीली आपको अपने पेरेंट्स से बहुत अच्छे जेनेटिक्स मिले हैं तो आपकी बात बन जाएगी, आप अच्छे दिखेंगे, आपको चुना जाएगा, आपको लोग पसंद करेंगे, क्यूट, ब्यूटिफुल, हैंडसम, जस्ट लाइक अ वाव जरूर कहेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर साधारणतर लोग क्या करते हैं, लोग साधारणतर पसंद किए जाने के लिए फैशन को फॉलो करते हैं, वही चीजें पहनते हैं, वही काम करते हैं, वही परफ्यूम लगाते हैं जो दूसरे कर रहे हैं। इससे आप सबके बीच में घुल मिल तो जाएंगे लेकिन आपको चुना जाएगा, आप अलग लगेंगे, इसके चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। चुने जाने के लिए या लोगों के बीच में नजर आने के लिए आप कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि आप कुछ शॉकिंग करो और लोगों के बीच में दिखाई दो। एक ऐसे तरीके से दाढ़ी बनाओ जो दूसरे नहीं बना रहे, अपने दाढ़ी को कलर करने लगो, सर पे बाल ही मत रखो, टकली बन जाओ तो फिर लोग नोटिस करने लगेंगे। कुछ अजीब करो, अजीबोगरीब कपड़े, अजीबोगरीब एक्सेसरीज, ऐसा हो सकता है आपकी अजीब चीज की वजह से लोग आपको नोटिस करने लगे। अगर आपने अपना अजीब स्टैंडर्ड ऑफ अपियरेंस को जारी रखा तो वो आपका ब्रांड स्टेटमेंट भी बन सकता है। वैसे जरूरी नहीं आपको कुछ अजीब ही करना पड़ेगा, आप कुछ हाई वैल्यू भी कर सकते हैं, जैसे कि बहुत अच्छे कपड़े पहनना, महंगे कपड़े, मेहंदी, ब्रांडेड सामानों का इस्तेमाल करना और निरंतर करते रहना, इससे भी आप हाई वैल्यू के नजर आने लगेंगे। पर मुझे सबसे ज्यादा पसंद है क्लासिकल अप्रोच, जहाँ पे आप अपने हाव भाव, वेशभूषा से सामने वाले को ये बताते हैं कि आप बहुत ज्यादा स्वस्थ इंसान हैं और भरोसेमंद इंसान है। तो आइए पता करते हैं क्लासिकल अप्रोच से आप अपने आप को इंस्टेंटली ज्यादा आकर्षक कैसे बना सकते हैं। पहली चीज, हमेशा हमेशा इस्त्री किए हुए कपड़े ही पहनिए। आपके ऑफिस के कपड़े या घर से बाहर निकलने वाले कपड़े हमेशा अलग होने चाहिए, खास होने चाहिए। कोशिश कीजिए वैसे कपड़े पहनिए जो आपके सिटी के, देश के वातावरण के साथ मैच करता हो। जैसा टेम्परेचर है, जैसा वातावरण है, उसे सूट करने वाले कपड़े पहनिए। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपके लिए कॉटन सबसे बेस्ट है और इसका आयर्न्ड होना, इस्त्री किया हुआ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे पता लगता है कि आप अपने अपियरेंस को, अपनी वेशभूषा को कितनी ज्यादा अहमियत देते हैं। इससे ये भी पता लगता है कि आप अपने आप को कितनी ज्यादा अहमियत देते हैं। दूसरी चीज, इंस्टेंटली पसंद किए जाने के लिए जरूरी है परफ्यूम। परफ्यूम्स में लोग कई बार ये गलती करते हैं कि तीव्र परफ्यूम चुनते हैं, ताकि वो तीव्र परफ्यूम बहुत देर तक रहेगी और बहुत देर तक वो खुशबूदार रहेंगे और अच्छे स्मेल करते रहेंगे। ये एक बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती, आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए। साधारणतर परफ्यूम्स बहुत ज्यादा तेज स्मेल के हो सकते हैं, इसलिए आप कोशिश कीजिए पॉपुलर डियोस के लिए जाना। पॉपुलर डियोस कुछ ऐसे माइल्ड खुशबूदार होते हैं जिन्हें बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। डियोस की प्रॉब्लम ये है कि वो ज्यादा देर तक कवरेज नहीं देती, या फिर वो बदबू तो घटा सकती है लेकिन बहुत देर तक खुशबूदार आपको बनाए रखेगी इसकी गारंटी नहीं है।
इस चीज से लड़ने के लिए सलूशन ये है, आप जहां पे भी जाएंगे अपना छोटा एक डियो साथ लेके घूमेंगे, हर 2-3 घंटे में खुद को स्प्रे करते रहेंगे ताकि आपकी खुशबू बनी रहे। अरे अब आप देखिए, एक कमरे को भी खुशबूदार रखने के लिए आज के समय पर ऐसे स्प्रेज आ गए हैं जो समय समय पर स्प्रे करता रहता है ऑटोमेटिकली, ताकि कमरा निरंतर खुशबूदार बना रहे। अपने आप को समझाओ, ऐसे परफ्यूम्स नहीं होते जो कॉन्स्टेंटली आपको खुशबूदार रखेंगे सुबह से लेकर शाम तक। थोड़े थोड़े समय पे अपने ऊपर मेहनत करना जरूरी है। अगली चीज जो मेरे ख्याल से मुझे तो बहुत काम आई है जिंदगी में, वो है मुस्कुराना। जब आप दूसरों को देखते हैं, दूसरों से मिलते हैं, मुस्कुराइए। मुस्कुराते ही आपकी शक्ल चाहे जैसे भी हो इंस्टेंटली ज्यादा आकर्षक दिखने लगती है। इसमें आप थोड़े वेरिएशंस ये रख सकते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं कि आप जब भी लोगों से मिले इंस्टेंटली उन्हें देखकर दांत दिखाते रहें। आप ऐसा कर सकते हैं, लोगों से मिलिए, पहले तो अपने चेहरे को नॉर्मल रखिए, बिल्कुल कोई हाव भाव नहीं, एक्सप्रेशंस नहीं, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप उसके साथ समय गुजार रहे हैं धीरे धीरे आप ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं और फिर काफी मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा करने से सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि उसके कंपनी के वजह से, उसके साथ रहने के वजह से आप धीरे धीरे मुस्कुराने लगे हैं। उसके होने में इतना ज्यादा पावर है कि आपका मूड अच्छा हो गया, इससे वो ऑटोमेटिकली आपको पसंद करने लगेगा। लड़कों के लिए अगर सर पे बहुत बाल है तो बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशंस, लेकिन अगर बाल कम है तो पूरा ही मुंडवा दो। लड़कियों के लिए अगर आपके बाल कम है तो फिर आपको कोशिश करनी चाहिए कि किस तरीके से आप अलग अलग हेयर स्टाइल्स ऐसे इस्तेमाल करेंगे ताकि आपके बाल में जो सामान्य बाल्डिंग है उसे आप कम दिखा सके। आज के समय में ऐसे बहुत सारे पैचेस हैं या फिर ब्लैक पाउडर है, किसी किस्म का हेयर पाउडर है जिसे आप सर पे लगा के सर को स्कैल्प को थोड़ी देर के लिए घना काला बता सकते हैं। स्किन का मॉइस्चराइज्ड होना जरूरी है। आपकी स्वस्थ त्वचा ये बताती है कि आपके शरीर का अंदरूनी हिस्सा भी स्वस्थ है, क्योंकि अगर पेट साफ नहीं होगा, अंदर गड़बड़ी होगी तो वो चेहरे पे भी दिखाई देने लगती है, इसलिए स्किन को हाइड्रेटेड रखना जरूरी है। ये तो हो गई स्किन की बातें, लेकिन इससे ज्यादा भी बढ़ के आप कुछ कर सकते हैं, वो है इमोशनली इंटेलिजेंट बन जाना, सामने वाले के भाव को समझ पाना। उसके भाव के हिसाब से अपने व्यवहार में बदलाव लाएंगे तब आप देखेंगे आप किसी भी सिचुएशन में ना सिर्फ एडजस्ट हो जाएंगे लेकिन आप किसी भी सिचुएशन में असल में पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पर अगर आप अपने बॉस से बात कर रहे हैं, अगर बॉस चिंतित है तो बात करने में थोड़ी तेजी लाइए और आप भी थोड़े चिंतित लगिए, बॉस इस बात को अप्रिशिएट करेंगे। अगर बॉस बहुत ज्यादा गुस्से में है तो फिर आई कॉन्टैक्ट अवॉइड कीजिए और फिर उन्हें कहिए कि मैं समझ रहा हूँ कि आपका गुस्सा जायज है, आप किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा टेंशन में हैं और ड्रास्टिक बदलाव चाह रहे हैं। आप जब सामने वाले के इमोशन को वैलिडेट करते हैं, सामने वाला इंसान आपको पसंद करने लगता है। सबसे जरूरी चीज आकर्षक दिखने में है कॉन्फिडेंस, और अगर आप सामने वाले व्यक्ति को बताना चाहते हैं कि आप कॉन्फिडेंट हैं तो हमेशा सीधे खड़े रहना है, सीधे और थोड़ी तेजी से चलना है और सीधे बैठना है। अगर आप बैठे भी हैं तब भी कभी भी अपने स्पाइन को इस तरीके से मोड़ मत लीजिए, झुका मत लीजिए, हमेशा से ऐसे बैठिए जैसे कि आप उस जगह के राजा हैं। आशा करते हैं इंस्टेंटली सुंदर दिखने की ये टेक्निक्स आप इस्तेमाल करेंगे और फिर मुझे आके कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको सबसे इफेक्टिव टेक्निक कौन सी लगती है। आपके मूल्यवान समय के लिए बहुत धन्यवाद।